नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट से हैं। आज तारीख 2 अप्रैल, वो दिन जब 2011 में भारत खुद ब खुद लॉकडाउन हो चुका था। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में सब लोगों की नज़रें इस मैच पर थी। 44,000 लोग स्टेडियम में मैच देखने आए थे। मैं बात कर रहा हूँ भारत बनाम श्रीलंका 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अभी मैं अपने बताऊँगा कि मैं उस समय कहाँ था। उस दिन 2 अप्रैल 2011 मैंने वो मैच कैसे देखा, किसके साथ देखा, उसके बाद मैच के बारे में बताऊंगा कौन से ऐसे प्लेयर थे जो उभर कर आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उस समय मैं था देहरादून में, मैं उसमें मैच देख रहा था। हमारे बगल में जो आंटी लोग बैठे थे, भाई लोग बैठे थे, सब मैच देख रहे थे। समझ तो मुझे उस समय आता नहीं था मैच, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में था। बस शौक था देखने का, क्रिकेट देखना है। हालांकि अब हर मैच देखता हूँ, समझ में आता है, लेकिन उस समय समझ में आता नहीं था मैच, मैं फर्स्ट क्लास में था। तो ऐसा लगता रहा कि बस ऐसे ही सिंपल मैच होगा। उसमें पता नहीं था वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सब लोग इस मैच को देख रहे होते हैं। और उस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जो 24 साल से वर्ल्ड कप के लिए वेट कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की। उनका वो आखिरी वर्ल्ड कप था और ट्रॉफी उनको चाहिए थी, क्योंकि छठवा उनका वर्ल्ड कप था और आज तक एक भी बार ट्रॉफी जीते नहीं थी। और भारत इससे पहले एक ही बार वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, उसके बाद वर्ल्ड कप जीता नहीं था। और हालांकि वो वर्ल्ड कप भारत में था, सपोर्ट था, लेकिन प्रेशर भी उतना ही था, क्योंकि आज तक वर्ल्ड कप जिस देश में भी उस समय तक हुआ था, वो देश वर्ल्ड कप आज तक नहीं जीता था। भारत के पास ऐसा पहला मौका था, पहली टीम बनने का जो वर्ल्ड कप जीते, जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा हूँ। 2011 का वर्ल्ड कप भारत में था। मुझे पता नहीं था कि ये मैच इतना बड़ा है, इतने लोग उस मैच को देख रहे हैं, लेकिन जब वो मैच हुआ, जब धोनी ने छक्का मारा, मुझे समझ में आया ये किस खेल नहीं, ये प्यार है लोगों का जो क्रिकेट देख रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए त्यौहार है। अब भारत 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत गया। कप्तान धोनी छोटा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की जो सपना था वो पूरा हुआ। काफ़ी अच्छी टीम उस समय को करती रही। जब मैच हुआ मुझे याद है, जब मैं बैठा था, हमारे बगल में आंटी जी बैठे थे। जब हरभजन सिंह, युवराज सिंह जब रो रहे थे, तो मुझे याद है हम हंसे थे उस समय, जब आंटी जी ने कहा कि हरभजन सिंह इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं आई। तो ये किस्सा काफ़ी याद है मुझे जो मैं उस समय था। आप भी अपने किस्से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो भेजिए आप 30-40 सेकंड की, वो सब मिक्स करके मैं चैनल पर डालूंगा। तो ये मैंने बताया मैं उस समय कहाँ था, मैंने मैच कैसे देखा, और उसमें पता नहीं था, शौक था देख रहे थे, मैंने बताया। अब बात करते हैं मैच में हुआ क्या, कौन सा प्लेयर अच्छा खेला। पहले टॉस करने आते हैं कुमार सिंगकारा और MS धोनी। सिंगकारा उस समय कप्तान थे श्रीलंका के, काफ़ी अच्छी टीम श्रीलंका थी और 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो दूसरा लगातार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी। टॉस जीते कुमार सिंगकारा, बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले के 3 ओवर जो जहीर खान ने डाले, मिडिल ओवर थे, उसमें एक विकेट भी था, वो बोल था रंगा का। पहले के जो 16-17 ओवर थे, ऐसा लगा श्रीलंका मैच से बाहर है, क्योंकि रन आने ही रहते। जहीर खान अपना 5 ओवर का स्पेल खत्म कर चुके थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए। फिर हुई पार्टनरशिप महिला जयवर्धन और कुमार संगकारा की। महिला जयवर्धन एक काफ़ी अच्छे प्लेयर थे उस समय, और संगकारा तो आपको पता ही है काफ़ी शानदार प्लेयर। अगर हम ऑल टाइम बनाए तो इनकी टीम में जगह बनती है। अच्छी पार्टनरशिप हुई इनकी 80-85 रनों की, संगकारा और महिला जयवर्धन की। फिर 48 रन बनाकर संगकारा आउट हो गए, बस धोनी ने कैच पकड़ा। उसके बाद लगा महिला जयवर्धन अकेले क्या कर पाएंगे, लेकिन महिला जयवर्धन उस मैच में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था और उस मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, 103 रनों की शानदार पारी खेली 88 बॉलों में। आप देख सकते हैं उस समय 88 बॉल में सेंचुरी मारना काफ़ी अच्छा माना जाता था। और लास्ट के 10 ओवर में अगर बात करो तो 91 रन जोड़ दिए, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी लास्ट के 10 ओवर में 91 रन। हालांकि आजकल भी बड़ी बात है, लेकिन आजकल हर टीम बना देती है, उस समय ऐसा नहीं था। 10 ओवर में आखिरी के 10 ओवर में 91 रन बना चुकी थी और श्रीलंका का स्कोर हो चुका था 274। ज़ारा पेरेरा ने आखिरी में आके अच्छी हिटिंग की, आपको याद हुआ आखिरी बॉल भी 6 मारा था। तो 274 उस समय काफ़ी अच्छा स्कोर था, वो भी उस मैच में जो वर्ल्ड कप फाइनल था, प्रेशर और होता है उस मैच में। तो 274 रहा श्रीलंका ने, 275 काफ़ी अच्छा स्कोर था। सबको लगा भारत ये मैच हार जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कोई भी टीम आज तक पोस्ट वर्ल्ड कप जो कर रही है जीती नहीं, लेकिन निगाहें थी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, लेकिन कॉन्फिडेंस भी श्रीलंका के साथ था, क्योंकि आखिरी के 10 ओवर में जो रन मारे गए थे 91 रन, तो जो कॉन्फिडेंस था उनके पास था, क्योंकि आखिरी के 10 ओवर में अगर इंडिया अच्छी बॉलिंग करती तो कॉन्फिडेंस इंडिया के पास होता, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में बहुत बढ़िया पारी उन्होंने खेली और अच्छे स्कोर तक पहुँचा दिया। अब भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए चाहिए थे 275 रन। बैटिंग करने आए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। दूसरी गेंद पर मलिंगा ने वीरेंद्र सहवाग को LBW आउट कर दिया। ऐसा लगा वीरेंद्र सहवाग प्रेशर झेल नहीं पाए। उसके कुछ ओवरों बाद ही, 1 या 2 ओवरों बाद, सचिन तेंदुलकर भी 2-3 चौके मार के आउट हो गए।
अब ऐसा लगा सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप और आखिरी इनिंग खेल चुके हैं जो खेल चुके थे। अब लगा भारत ये मैच नहीं जीत सकता क्योंकि वीरेंद्र सहवाग और सचिन बहुत शानदार ओपनर थे, अगर वो आउट हो जाएंगे तो नीचे संभालना मुश्किल होगा। हालांकि युवराज सिंह का आना बाकी था, लेकिन युवराज सिंह के साथ भी बात ये थी उनकी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी और लगातार अच्छा खेलते आ रहे थे, तो एक मैच ऐसा होता है जिसमें प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाता। गौतम गंभीर और विराट कोहली की शानदार पार्टनरशिप हुई 80 रन में, विराट कोहली भी आउट हो गए जिससे कि आपको कैच रतन दिलशान का याद होगा। पहले उसमें विराट कोहली ने बनाए काफ़ी शानदार पारी विराट कोहली ने उस समय खेली थी। बहुत से लोग बोलते हैं सबसे बढ़िया पारी विराट कोहली की वर्ल्ड कप में वो है जो उन्होंने 35 रन की 2011 में खेली थी। गौतम गंभीर जब वहाँ खेल रहे तो ऐसा लगा भारत मैच मुट्ठी में आ चुका है क्योंकि उस पारी में डिटर्मिनेशन पैशन दिखा, वो डेडिकेशन दिखा गौतम गंभीर का जो एक फाइनल मैच में दिखना चाहिए। आपके टी शर्ट में दाग याद होगा उनके टी शर्ट में दाग था, हर डाइव उन्होंने मारी थी उस मैच में गौतम गंभीर ने। फिर उसके बाद युवराज सिंह की बारी थी 5 नंबर पर आने के लिए, जैसे कि आपने मैं सुनी मूवी देखी होगी, उन्होंने बोला था ये मुरलीधरन बॉलिंग आ रहे हैं मुझे बैटिंग पे जाना चाहिए, तो फिर प्रमोट किया एम एस धोनी ने अपने आप को और युवराज सिंह से पहले खुद आए। फिर गौतम गंभीर और एम एस धोनी के बीच पार्टनरशिप काफ़ी शानदार हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब 97 रन बनाकर गौतम गंभीर आउट हो गए। काफ़ी शानदार पारी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बढ़िया पारी उसको बोला जा सकता है। जब गौतम गंभीर आउट हुए तो भारत के मुट्ठी में था मैच क्योंकि 52 रनों में 52 रन बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस समय युवराज सिंह ने उसके बाद बैटिंग करना है और एम एस धोनी बैटिंग कर रहे थे। एम एस धोनी भी ऐसा लगा प्रमोट किया है लेकिन बहुत शानदार पारी एम एस धोनी खेल रहे थे, काफ़ी अच्छे शॉट, हालांकि उन्होंने शुरुआत की थी काफ़ी धीमी की थी लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ ली थी उनकी पारी में। 52 रनों में 52 रन चाहिए थे युवराज सिंह बैटिंग करने, ऐसा लगा ये तो अब युवराज सिंह जल्दी बनाएंगे क्योंकि उस समय युवराज सिंह एक ऐसे प्लेयर थे जब फ्लिक मारते थे तो छक्का जा रहा था, शानदार फॉर्म में थे, बीमार होने से बीमार थे उस समय लेकिन उस समय उनके पास फॉर्म थी। उस वर्ल्ड कप में 10 से ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए थे और 350 से ज़्यादा रन भी उन्होंने किए थे। मैं बात कर रहा था 52 रनों में 52 रन चाहिए थे, तो एम एस धोनी और युवराज सिंह मैच को क्लोज ले गए और 48.1 ओवर में इंडिया को दूसरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। सुनहरा मौका वो इतिहास फिर से वापस आने वाला था जो कपिल देव छोड़ कर गए थे 1970 1980 में जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। अब भारत को सिर्फ 4 रन चाहिए थे ऐसी पहली टीम बनने के लिए जिसने अपने ही देश में वर्ल्ड कप हो रहा और पहली बार जीता हो। काफ़ी उम्मीदें थी, सचिन तेंदुलकर काफ़ी फेवरेट से खेलते आ रहे थे, वर्ल्ड कप लगा नहीं था हाथ, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो और एम एस धोनी मारते उस समय छक्का। अब भारत दूसरी बार विश्व चैंपियन बन जाता है और वहीं से लगने लगता है ये एम एस धोनी की नई टीम है, ये भारत देश में भी जाके जीत सकती है। काफ़ी प्लेयर उस समय रोए, जैसे कि मैंने आपको अपना एक किस्सा बताया था हरभजन सिंह जब रो रहे थे, ऐसा लगा भारत वर्ल्ड में विश्व विजेता बन चुका है, पहली टीम जैसा मैंने बताया उन्हीं देश में मैच हो रहा उसी देश में मैच जीते। एम एस धोनी 91 रनों की शानदार पारी खेली 79 बॉलों में, मैन ऑफ द मैच भी रहे उसके बाद वो, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर भारत की टीम से, काफ़ी शानदार उन्होंने रन बनाए थे, काफ़ी शानदार उन्होंने इस टूर्नामेंट में बैटिंग की और उसके बाद वर्ल्ड कप खेले नहीं हो सचिन तेंदुलकर क्योंकि उसके अगले या 2 साल बाद सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ चुके थे। तो ये था भारत के मैच का डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने एक, उस मैच में क्या हुआ ये मैच रहा उस 275 उसमें बड़ा स्कोर था जैसा कि मैंने कहा लेकिन आसानी से चेस कर लिया। धोनी बड़े प्लेयर बन चुके थे, सचिन जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो वापस जा रहे थे क्योंकि बहुत साल खेल चुके थे, वीरेंद्र सहवाग का आखिरी वर्ल्ड कप था, तो ये रहा कुछ वर्ल्ड कप फाइनल के मोमेंट। लेकिन एक मैं एक ऐसा खिलाड़ी की बात करूंगा जिसने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बहुत अच्छी पारियां खेली, अगर वो पारियां नहीं खेलते तो भारत शायद फाइनल में ना पाता। मैं बात कर रहा हूँ सुरेश रैना की, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी खेली 28 गेंदों में 34 रनों की, पार्टनरशिप की युवराज सिंह के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट वो पारी थी भारत के लिए, अगर वो पारी नहीं खेलते तो नीचे जल्दी से विकेट गिर सकते थे लेकिन नॉट आउट रहे और काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर से भी खेला। अगले सेमीफाइनल में जब पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल था तो भारत का कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था सचिन तेंदुलकर को छोड़कर जो ऐसा लगा हो कि बहुत अच्छा खेला है सटल, सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 85 रन मारे, बाकी प्लेयर चल नहीं पा रहे थे लेकिन उसके बाद आए सुरेश रैना। अभी कमेंटेटर की आपको कमेंटेटर याद होगी, रैना है तो क्या रैना, काफ़ी अच्छी पारी उन्होंने खेली 39 बॉलों में 36 रन होगी, अगर वो पारी सुरेश रैना वहाँ पर नहीं खेले तो भारत का जो 260 का स्कोर था वो 230 पे भी ऑल आउट हो सकते थे क्योंकि बॉलर ही थे उसके बाद। तो रैना की पारी कोई बात नहीं करता लेकिन मैंने पारी अभी देखी है, काफ़ी शानदार पारी रन ने खेली थी, इसलिए 10 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेले, अभी भी आईपीएल खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं और इतने बड़े प्लेयर माने जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे
अगली वीडियो में दूसरे मैचों की कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी यादें ताज़ा करें हम जो आज के दिन हुई थी। अगर आपको वो वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखना है तो आप स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं, पूरा रिपीट मैच आ रहा है लाइव, बॉल टू बॉल देख सकते हैं आप, उतने ही वजह से अभी स्टार स्पोर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से कुछ आज की वीडियो उन सभी भारतीय मैच के लिए जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। पिछले एक महीने से भले हमने क्रिकेट देखा ना हो, लेकिन जो ये यादें हैं वर्ल्ड कप की भारत की, वो हम जरूर देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।